हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशल क्लासेस, दिस इज गुरप्रीत। गाइस, अगर आप NIOS बोर्ड से 10th 12th करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके एडमिशन कौन से ओपन हैं, मींस अगर आप अभी एडमिशन कराते हैं तो आपके एग्जाम्स कब होंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, आपकी बुक्स कब आएंगी, आपका रिजल्ट कब आएगा, एंड साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि पूरे साल की जानकारी लाइक आपके लैब मैनुअल्स, आपके असाइनमेंट्स, आपके प्रैक्टिकल्स कब होंगे, आपके PDFs, हॉल टिकट, डेट शीट, ये सब नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगी, एंड आपकी एडमिशन की लास्ट डेट कब है, रिजल्ट कब आता है, आपके एग्जाम्स ऑनलाइन होते हैं या ऑफलाइन होते हैं, एडमिशन का पूरा प्रोसेस हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके एडमिशन की। गाइस, दो तरीके के एडमिशन है, एक तो आपके अक्टूबर 2023 के लिए, जो भी स्टूडेंट है आप, चाहे आप फर्स्ट रनर है या आप अपने मार्क्स इम्प्रूव करना चाह रहे हैं या आपकी कंपार्टमेंट आई है, तो आप अक्टूबर 2023 के लिए अप्लाई कर सकते हो। जिन भी स्टूडेंट्स को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए स्टडी के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, वो अक्टूबर 2023 के लिए अपना एडमिशन करवा लें। 31 जनवरी आपकी लास्ट डेट है। गाइस, डेट एक्सटेंड नहीं होगी तो अपना एडमिशन जरूर करा लेना। एंड जो स्टूडेंट्स की कंपार्टमेंट आई है या फिर आप 10th 12th में पास हो चुके हो, जस्ट आप अपने मार्क्स इम्प्रूव करना चाह रहे हो या फिर किसी एडिशनल सब्जेक्ट में आप नॉलेज गेन करना चाह रहे हो, तो आप जनवरी टू मार्च आपके ऑन डिमांड के एग्जाम्स चल रहे हैं, आप उसमें भी अपने आप को एनरोल कर सकते हो। राइट, आपको अपने एडमिशन के बारे में पूरा प्रोसेस पता चल गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स की, कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है अपने एडमिशन के प्रोसेस के लिए। फर्स्ट, 10th क्लास के लिए आपको अपना आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो हमारी टीम से। आप उनको अपना आधार कार्ड व्हाट्सएप कर सकते हो, उनको डिस्कस कर सकते हो कि आपकी ये प्रॉब्लम है, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है। वो आपको पूरा प्रोसेस बता देंगे कि आपका एडमिशन कैसे होगा। नेक्स्ट, आपको एक आपकी फोटो एंड सिग्नेचर चाहिए होगी। दिस इज द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर योर 10th क्लास। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके 12th क्लास के डॉक्यूमेंट की। सबसे पहले आपको चाहिए होगी आपकी पास मार्कशीट। पास मार्कशीट, गाइस बहुत बच्चे ये गलती करते हैं कि वो अपना एडमिशन खुद से करा लेते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि उनकी मार्कशीट रिकॉग्नाइज नहीं होती और उनका टाइम वेस्ट हो जाता है, एडमिशन अच्छे से हो नहीं पाता। बट अगर आप हमारी टीम से एडमिशन कराते हो तो हम पहले चेक करेंगे कि आपकी मार्कशीट वैलिड है या नहीं है, फिर ही हम आपका एडमिशन प्रॉपरली करेंगे। तो आप हमारी टीम से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, आपको आधार कार्ड चाहिए होगा, बर्थ सर्टिफिकेट, आपकी एक फोटो एंड सिग्नेचर। ये डॉक्यूमेंट्स आपके मैंडेटरी हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, आप एडमिशन 12th में करा सकते हैं। आई होप आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं आपके फी स्ट्रक्चर पे। तो गाइज, NIOS में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एडमिशन होते हैं, लाइक आपके TOC के एडमिशन है, आपके ITI का एडमिशन है, आपके इम्प्रूवमेंट के एडमिशन का अलग प्रोसेस है, ऑन डिमांड के एडमिशन का अलग प्रोसेस है, तो सबके फी स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है। तो आप फी स्ट्रक्चर जानने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो कि आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या है एंड आपको कौन सी क्लास में एडमिशन कराना है। आपको फी की पूरी डिटेल वहां से मिल जाएगी। गाइज, अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन कराते हो तो आपको सबसे कम से कम फीस चार्ज की जाएगी। प्रॉपर 5,000 to 6,000 में आपकी पूरी 10th 12th कंप्लीट हो जाएगी। सबसे कम फीस चार्ज करते हैं हम। एंड आप हमारे स्टूडेंट्स की फीडबैक वीडियोस भी देख सकते हो। अगर आपको फीडबैक वीडियो स्टूडेंट्स की देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारे से हर स्टेट के बच्चे एडमिशन कराते हैं, आप वो भी देख सकते हैं। अब कर लेते हैं आपकी बुक्स की। बुक्स NIOS की बाय पोस्ट आपके घर पर आती हैं, ये बुक्स बिल्कुल फ्री होती हैं। एंड साथ के साथ हम देखते हैं कि आपकी साल भर की अपडेट्स आपको कैसे मिलेंगी। गाइज, अगर आप खुद से एडमिशन करते हैं तो आपको NIOS जाना पड़ता है, हर छोटी छोटी चीज के लिए आपको NIOS जाना पड़ेगा, वहां पे लाइन में लगना पड़ेगा। बट अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन कराते हैं तो हमारी टीम आपको पूरी सपोर्ट करेगी, वो आपको अलग से एक मैम एलोकेट की जाएंगी, वो आपको पूरा साल भर बताएंगी कि आपका रिजल्ट का कब क्या प्रोसेस है,
आपके असाइनमेंट कब सबमिट होंगे, आपकी हॉल टिकट आएगी वो आपको शेयर करेंगी, आपको बुक्स की पीडीएफ शेयर करेंगी, आपका आईडी कार्ड, सारी डिटेल्स आपको शेयर करेंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो सॉल्यूशन कैसे करना है, आपके असाइनमेंट सॉल्व कैसे करने हैं, सारी गाइडेंस वो आपको पूरा ईयर देंगी। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं रिजल्ट की। रिजल्ट आपका 45 दिनों में एनआईओएस का रिजल्ट आ जाता है। साथ के साथ बच्चों की बहुत क्वेरी होती है कि हमारे एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, तो गाइज एनआईओएस के एग्जाम्स ऑफलाइन होते हैं। साल में एक बार आपको अपने एग्जाम्स देने हैं, आपको अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं, एंड आपका जो प्रोसेस है एडमिशन करने का वो ऑनलाइन है, बट एग्जाम्स आपके ऑफलाइन ही होंगे। एंड बच्चों की क्वेरी है कि एग्जाम्स कहाँ होंगे, तो आपके स्टेट में ही एग्जाम होंगे। बस आपके पास एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए कि जिस भी स्टेट में आप रहते हो वहां पर एग्जाम्स दे सकते हो। नेक्स्ट आपके जो चैनल है हमारा, आप उससे कनेक्टेड रहिए, बहुत ही जल्दी आपको बेस्ट टीचर्स पढ़ाएंगे, क्लासेस अवेलेबल होने वाली हैं, नोट्स अवेलेबल होने वाले हैं। चाहे आपने कहीं और से भी एडमिशन कराया है, आप हमारे चैनल से कनेक्टेड रहिए, आपकी बहुत हेल्प होगी। आप फीडबैक वीडियोस भी देख सकते हैं, आप हमारी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं एडमिशन के लिए। इसके सारे अपडेट्स के लिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल से कनेक्टेड रहिए। एंड आई होप आपको एनआईओएस के एडमिशन का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो।